मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है और कोर्ट के लिए मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी आज है। सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। अभी तक हिरासत में थे मनीष सिसोदिया, सीबीआई की और आज कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय राजधानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ले जाया जा रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए, उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सड़क पर एक प्रशासनिक अमला पूरा चलता दिखाई दिया ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है तो सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी सवाल को न उठने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और साथ ही सिसोदिया अब किसी भी समय कोर्ट पहुंच जाएंगे। कोर्ट में पेशी होगी, सीबीआई की तरफ से सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा आबकारी नीति घोटाले को लेकर। अब देखना होगा कि उसके बाद कोर्ट क्या राहत देती है मनीष सिसोदिया को या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर मनीष सिसोदिया अब किसी भी समय पहुंचने वाले हैं और साथ ही एक बड़ा जत्था पुलिस बल का मौजूद है वहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है किसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल वहां पर मौजूद है और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सीबीआई किसी भी समय मनीष सिसोदिया को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच रही है, किसी भी समय पहुंच जाएंगे सिसोदिया कोर्ट। उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद देखने की बात होगी कि क्या कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को राहत देखने को मिलेगी या फिर सख्ती देखने को मिलती है मनीष सिसोदिया को लेकर, यह भी देखने वाली बात है। राजधानी दिल्ली से फिलहाल सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और साथ ही आबकारी नीति मामले को लेकर जो मनीष सिसोदिया को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी सीबीआई की तरफ से, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। और लेकिन आज ये ताज़ा खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की आज पेशी है। किसी भी समय अब जो सीबीआई की टीम है वो सिसोदिया को लेकर पहुंच जाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जैसे कि तस्वीरों में साफ दिखाया जा सकता है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, दल बल के साथ पुलिस वहां पर मौजूद है ताकि सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम जो है किए जा सके। सुरक्षा को लेकर जो सुविधा है सुरक्षा की वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, कोई भी सुरक्षा को लेकर इश्यू क्रिएट ना हो इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर, क्योंकि मनीष सिसोदिया की पेशी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब किसी भी समय पहुंच रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, सीबीआई की तरफ से उनकी पेशी है कोर्ट में। लेकिन देखने की बात होगी कि क्या कोर्ट की तरफ से राहत देखने को मिलेगी। हालांकि आसपास के इलाके में पूरी सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन डटा हुआ है, दल बल के साथ पुलिस फोर्स मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित ना होने पाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोष बहुत ज्यादा है। जब गिरफ्तारी हुई उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे बीजेपी के खिलाफ और साथ ही सीबीआई के खिलाफ। लेकिन अब जब सीबीआई की तरफ से उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है, तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ वो तस्वीर है जिसमें मनीष सिसोदिया रवाना होते दिखाई दे रहे हैं, प्रशासनिक अमला सुरक्षा बल के साथ उन्हें लेकर पहुंच रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट, तो वहीं दूसरी तस्वीर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से ताकि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो सके। और कोर्ट में आज पेशी होगी कथित शराब नीति घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, ये ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर हैं, इसमें पूरा मामला आपको समझाएंगे कि मनीष सिसोदिया तक जांच आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई शराब नीति में धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज किया, तो वहीं 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर
छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी भी की। तो वहीं अब 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। उसके बाद बात की जाए तो 30 अगस्त आ जाती है तारीख। 30 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। 27 दिसंबर को सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आपके संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी थी जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 28 सितंबर की तारीख आती है जब शराब कारोबारी समीर महेंदू को गिरफ्तार किया गया सीबीआई की तरफ से। 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। तो वहीं 10 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर की तारीख आई जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक एक लंबी पूछताछ की थी और फिर 25 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। और उसके बाद पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित 7 अभियुक्तों को नामजद किया गया। और साथ ही 30 नवंबर को वो तारीख जब मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई की तरफ से। और 30 नवंबर को ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी एलसी कलवंत कुंतला कविता को पकड़ा था। और साथ ही ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया था कि दिल्ली आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। 9 फरवरी को चैरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी की तरफ से भी कार्रवाई की गई।